ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೆ दोस्तों ईद आ गई और कुर्बानी के जानवर भी अब गली गली नजर आने लगे हैं और इन जानवरों के सामने आजकल आवाम की बड़ी दौड़े लगने वाली है। तो चलिए आज आपको कुर्बानी के मौके पे इन जानवरों के साथ कुछ मजाकिया सीन दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले इस बंदे की हालत देखें क्योंकि यहाँ बैल से पहले हाथी गिर जाएगा। इसी तरह चाचे ने बड़ी छुपने की कोशिश की लेकिन फिर इसके भागने की स्पीड चेक करें। अब जैसे कि जज्बाती हो के इतना भी बावला नहीं होना चाहिए जैसे ये बकरा हद ही पार कर जाता है। दोस्तों एक दूसरे की टांग खींचने में जानवर हम इंसानों से पीछे नहीं जैसे ये बैल दूसरे की पूरी कल्टी ही लगवा देगा। अगली वीडियो में बैल भागते भागते रिक्शे में सवार हो जाता है और ड्राइवर को बाहर फेंक देगा। जिसने भी सफर करना है इस बैल गाड़ी में लाजमी बैठे। इसी तरह कुर्बानी का बैल अगर तगड़ा निकल आए तो पकड़ने वाले इस आदमी की तरह फिर तौबा तौबा ही करते रहते हैं। दोस्तों स्टिंग और इसके टेस्ट का झटका अब जानवरों को भी चाहिए। ऊंट भी अब स्टिंग पिए बगैर काम नहीं कर पाते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो यही से इजाद किया गया था। पाकिस्तानियों की इस क्रिएटिविटी पे वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगली वीडियो में इस दूल्हे की शादी तो बढ़ जाएगी क्योंकि ये कुर्बानी वाले बकरे दूल्हे की गाड़ी पे टूट पड़ते हैं और उसके फूल खाने लग जाएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दोस्तों ऐसी मस्त नींद किस्मत से ही आती है हालांकि पता भी है हमने छुरी के नीचे ही आना है इसलिए नींद तो पूरी की जाए। जिस दिन मेरी नींद पूरी हो गई ना मैंने दुनिया बदल देनी। इसी तरह दुम्बा कुर्बानी के लिए बड़ा खूबसूरत जानवर है मगर ये आदमी आवाम की नीयत खराब करेगा। इस किलो की चक्की माशाल्लाह दुम्बे देखो हीरे हीरे गुलाबी नंबर नोट कर लो 0317-620-5675 जिस दोस्त को जरूरत है कॉल अभी करना भेजा बिल्कुल सस्ती प्राइस की ये जोड़ी जो है ना आपको मिलेगी 1,20,000 रुपए की कॉल अभी करना फिर भी मैं नंबर बता रहा हूँ 0317-620-5675 ये गुलाबी तोहफे है भेजन ये चक्की चेक करो चक्की माशाल्लाह 20 किलो की सिर्फ चक्की है और गोश्त इसमें गारंटी से मैं कह रहा हूँ 40 किलो गोश्त होगा 20 किलो की चक्की यानी कि 60 किलो होगा भाई। अब जैसे कि लाहौर के पूरे इलाके में सबसे हैवी बैल चक्कर है अब जो भी इसे लेके जाएगा वो बस हड्डियां ही खाएगा। बेटे बेटे माज कर दी हाँ माज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर वो तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। दोस्तों स्लाइड लेने का शौक सिर्फ बच्चों को ही नहीं होता यहाँ तो बैल भी मजे लेने में किसी से पीछे नहीं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे क्या लगे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन का।
अगली वीडियो में कुछ मजाहिया बकरे भी देख लें जो कुर्बानी से बचने की खुशी मना रहे थे। इसी तरह लोग अपने जानवरों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि देखने वाले भी हैरान हो जाएं। इनको ऐसे आइडिया पता नहीं आते किधर से हैं। दोस्तों बकरों में भी मुजरे करने की आदत पड़ जाती है। कुछ नस्ल के बकरे चलते फिरते ही नाचते जाएंगे। बेटे अरे बेटा माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। भाई मजा आया। अब जैसे कि पाकिस्तानियों के ठरक चेक करें, ये कुर्बानी के बैलों को भी नहीं बख्शते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बड़े हरामी हो। अगली वीडियो में सांड इन लोगों का सही इलाज करेगा कि तुम मुझे कुर्बान करने लगे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। गाइस अगर कभी आप में से किसी की कुर्बानी ने ऐसे किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों गर्मी बड़ी है और जानवरों को भी आजकल स्विमिंग का जुनून चढ़ा हुआ है। इसी तरह ये बकरा तो जैसे कसाई को आज कच्चा ही चबा जाएगा। दोस्तों ये थे ईद उल अजहा के मौके पे कुर्बानी के जानवरों के नजर आने वाले कुछ ऐसे मजाहिया वाकयात जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इस बार कुर्बानी करने के लिए आपने कौन सा जानवर खरीदा है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और